सभी को नमस्कार। मेरा जो लेटेस्ट वीडियो था इससे पहले वाला, जिसमें मैंने काफ़ी सारे टिन बॉक्सेस को अनबॉक्स करा था, वो रूम ना एज़ इट इज़ पड़ा हुआ है। मतलब ये ऐसा ही रूम मैं छोड़ के गया था उस समय जब मैंने वो वीडियो शूट करा था। और समय का इतना अभाव रहता है, मैं क्या बताऊँ कि उस दिन बस वो पार्सल मैं लेकर के आया था। मैंने आपको बताया भी था कि मैं इंडिया पोस्ट से लेकर के आया था, तो वो एज इट इज़ बॉक्स वैसे वैसे रखे हुए हैं। पास में जो बॉक्स अनबॉक्स किया था, ये इनके पोले बैग वगैरह हटाए थे, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही पड़ा हुआ है। तो इसी बीच में एक और मुझे पार्सल प्राप्त हो गया, देखिए नीचे दिख रहा होगा आपको, जो कि मैंने किसी सेलर से ना मंगा करके, जो मैं भी कोई ऑफलाइन सेलर होंगे, फेसबुक पे मैंने कई बार इनकी पोस्ट देखी थी चीज़ें सेल करने के लिए। और अमित कुमार नाम से, ये अमित सिंह नाम से जो है ये अपनी चीज़ें पोस्ट करते हैं। और गब्बर जो है ना, शोले वाले गब्बर, उनका वो उन्होंने कोई प्रोफाइल पिक्चर लगा रखा। काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ, उसे 1 साल से देख रहा हूँ, तो काफ़ी पोस्ट देखी थी मैंने और काफ़ी अच्छी डील्स भी वो देते थे। लेकिन वो क्योंकि सारी लगभग सारी कॉमिक्स वगैरह मेरे सही, तो वो डील में कोई इंटरेस्ट था नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि जो क्या बोल सकते हैं, स्केच कार्ड जो हमको संग्राहक संस्करण के साथ में मिलते हैं, चाहे राज कॉमिक्स हो, संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स हो, चाहे राज कॉमिक्स हो, मनोज गुप्ता जी कॉमिक्स हो, वो कुछ मैंने एक पोस्ट देखा था, उसमें वो काफ़ी अच्छी डील में दे रहे थे। वो 30-40 स्केच कार्ड थे, और उसमें कुछ ऐसे स्केच कार्ड थे जो मुझे चाहिए थे, जैसे कि वन रक्षक का जो संग्राहक संस्करण उसका स्केच कार्ड वो मिसिंग था मेरे पास में, और कुछ है भी लेकिन चाहिए थे, जैसे कि षड्यंत्र जो कॉमिक्स वगैरह है उनके। लेकिन हुआ ये कि उनको मैंने मैसेज करे कि आपके यदि सेल ना हुए तो आप मुझे रिप्लाई करें, तो उन्होंने रिप्लाई करा, पर एक दिन बाद रिप्लाई करा उन्होंने। और आई थिंक उन्होंने जो उनमें से जो सिलेक्टेड थे वो सेल कर चुके थे, और उन्होंने फिर मुझे रिप्लाई करा, कुछ बचे थे। उसी समय अमित जी का भी एक मुझे मैसेज आया हुआ था, मैंने उसको बाद में देखा कि जो सेम पोस्ट में मैंने कमेंट किया था ना, मैंने कहा अगर आपके सेल ना हुए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा या मुझे इनबॉक्स करिएगा। तो अमित कुमार जी ने मुझे मैसेज करा था कि आपको मिलेगा ब्रदर ये वो वाले, तो मुझे लगा कि शायद मैं भी लेने के लिए बोल रहा हूँ, इनको भी चाहिए होंगे इसलिए पूछ रहे हैं। तो मैंने बताया इनको, मैंने कहा यार मैंने मैसेज किया है लेकिन रिप्लाई नहीं आया। तो इन्होंने बताया कि अगर आपको चाहिए तो सेम जो है थिंग्स मैं आपको देता हूँ सेम प्राइस में। तो मैंने ठीक भाई आप दे दो, उसमें क्या है। अगेन इनका भी जो कलेक्शन था उसमें वही है कि वो वनरक्षक वाला वगैरह नहीं था, कुछ रिपीट वगैरह थे जो भी था। तो खैर इनसे भी डील हो गई, उनसे भी डील हो गई थी और मैंने वो डन भी कर दिया था, लेकिन शायद कुछ रिपीट्स वगैरह होंगे ऐसा कुछ होगा। तो इन्होंने काफ़ी प्रोफेशनली उसको हैंडल करा अमित जी, मतलब कई बार मैं उनके पोस्ट भी देखता था, तो बड़ी जल्दी इनका पार्सल इन्होंने डिस्पैच भी कर दिया और उनके मैसेज भी मुझे आते थे इंडिया पोस्ट के भी। और वो जो दूसरे थे उनका नाम मुझे याद नहीं है, सिंह कुछ थे, मतलब उनका फिर कल परसों शायद उन्होंने डिस्पैच किया, काफ़ी लेट उन्होंने डिस्पैच करा, खैर वो प्राप्त भी नहीं हुआ। और इसी दौरान मैं एक बात और संजय गुप्ता जी की वेबसाइट की बताऊँगा कि मैंने आपको जो पहले मैंने बताया था कि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से मैंने 6-7 पार्सल ऑर्डर करें, शायद 7वां या 8वां पार्सल था, और हर एक पार्सल में कोई ना कोई इशू आया था। इसमें कोई इशू नहीं था, टिन बॉक्स वाले में सिर्फ जो है इंडिया पोस्ट से भिजवाया था, तो मुझे जाकर लेके आना पड़ा, उसमें दिक्कत आई थोड़ी सी। इससे पहले के जो पार्सल थे ना उनका कुछ कंपनसेशन था, जैसे कि कोई कॉमिक्स मिसिंग थी, बुद्धि पलट कर कॉमिक्स थी, या कुछ नोवल्टीज वगैरह मिसिंग थी, ऐसे काफ़ी सारे छोटे मोटे इशू थे। और सारी बात हो गई थी, मेल कर दिया था, व्हाट्सअप कर दिया था, उनका रिप्लाई आ गया था, कॉल हो गई थी, और मैंने उनसे पूछा कोई अपडेट है, तो उनके जो टीम थी जो भी व्हाट्सअप पे रिप्लाई करते हैं जो भी, उन्होंने बोला था सर डिस्पैचिंग टुमारो, 3 सितंबर को उन्होंने वो मैसेज मुझे किया था, 1 सितंबर को मैंने उनको मेल किया था। और मैं काफ़ी खुश था, मैंने कहा जब सारी बातें डन हो गई है, डील हो गई है, और वो बाकायदा भेज चुके हैं डिस्पैचिंग टुमारो, और मैं वेट कर रहा था। फिर उसके बाद में सुपर सरप्राइज बॉक्स का डील आया, तो मैंने कहा चलो भैया ये मुझे ये था कि आप सीधा मुझे वही पार्सल मिलेगा कंपनसेशन वाला, ये तो काफ़ी लेट मिलेगा, बट टू माई सरप्राइज ये मुझे पहले मिल गया। और आज 15 सितंबर हो चुका है, 1 सितंबर को मैंने मेल किया था, 3 को उन्होंने बोल दिया था कि हम डिस्पैच ही कर रहे हैं। तो कल मैंने फिर से कॉल करा, मैंने कहा यार इतना टाइम हो गया उसके बाद का, मेरे को ये इतना बड़ा बॉक्स मुझे मिल चुका है, उसका क्या हुआ। तो पता नहीं उनका क्या वो करते हैं यार, समझ ही नहीं आता। तो वो बोले कि सर जो है कि जो कंपनसेटरी जो भी थे सभी के वो डिले हो गए हैं, ये हमने पहले कर दिए, डिले हो गए कि ऐसे मुझे लगता मैसेज कर देता हूँ, मुझे लगता नहीं उन्होंने कोई ऐसा पार्सल बनाया हुआ, क्योंकि मैंने पूछा था कोई डिटेल तो बताओ कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या भिजवा रहे हो, मान लो कोई कॉमिक्स मिसिंग थी तो वो भिजवा रहे हो कि नहीं भिजवा रहे हो, नोवल्टीज मिसिंग थी तो आपके हैं अवेलेबल कि नहीं, क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। पर मुझे उन पर पूरा विश्वास था, मैंने कहा कुछ तो भिजवा रहे हैं, तो मैंने कहा उसके अनबॉक्सिंग में देख लिया जाएगा कि भाई क्या है क्या नहीं है सारा कुछ जो भी है, मतलब छोटे मोटे जो भी इशूज थे मेरे 7-8 ऑर्डर में, तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। मैंने कहा जब बात हो गई है, सब कुछ डन हो गया, सामने वाला एक्सेप्ट कर लिया है, सब कुछ फाइनल हो गया, ये मैसेज कर दिया कि सर डिस्पैचिंग टुमारो 3 सितंबर को, आज 15 सितंबर हो गई, कोई इसका वो नहीं। मैं उनको ये बोलता हूँ, मैंने कहा ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल मेरे को दे दो, पर मैंने कहा अगर आप कुछ भिजवा रहे हो, आपने भिजवा दिया तो कोई ट्रैकिंग आईडी को शेयर तो कर दो यार, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो क्या है क्या नहीं। तो बड़ा अजीब ही कॉल मॉडल मामला है, कल उनको करा था उसका भी मैं आपको अपडेट दूंगा।
देखते हैं क्या होता है, वो भिजवाते भी हैं कि नहीं भिजवाते हैं, बातें ऐसे गोल मटोल कर देते हैं। यदि आता तो आपके सामने अनबॉक्स हो जाएगा। खैर ये सारा प्रस्तावना हो गई है, हालांकि काफ़ी अनरिलेटेड चीज़ें हैं, सीधा इसी पे आते हैं। तो ये डोगा का तो मैंने इसलिए रखा है कि अमित जी के ना फ़ोन नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, उनकी राइटिंग काफ़ी सुंदर है, बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में उन्होंने लिख करके इस पार्सल को भिजवाया है। तो खैर अच्छे से डील करा उन्होंने, काफ़ी प्रोफेशनली हैंडल करा। और कॉमिक के जो लवर्स हैं, मैंने ये तो देखा है कि वो कहीं ना कहीं आर्ट वगैरह से, किसी की हैंड राइटिंग अच्छी है तो किसी की स्केचिंग अच्छी है, मेरी भी थोड़ी स्केचिंग ठीक ठाक है, कॉपी कर लेता हूँ। तो राहुल मेथानी जी हैं, वो तो खैर पूरे आर्टिस्ट ही हैं, उनकी भी शायद एक जो तीलू रतौली करके जो कॉमिक्स आने वाली थी एनिमेशन सीरीज, उसका भी हार्ड प्रिंट आ चुका है। उन्होंने मुझे एक फोटो वीडियो वगैरह शेयर किया था। पंडित देवर्षि शर्मा जो हैं देव स्टोर वाले, उन वो भी खुद चाचा चौधरी वगैरह काफ़ी बनाते हैं, बनाकर बेचते हैं अपने बायर्स वगैरह को। तो मैंने देखा है कि एक्चुअली सारे वही हैं ये लोग। इवन जितेंद्र टंडन जी जो जीके कार्ट वाले हैं, उनसे बात इस बारे में कभी हुई नहीं, पर वो भी पक्का कोई ना कोई टैलेंट छुपा के बैठे हुए हैं ऐसा लगता है। तो ये है कि वही लोग जुड़े हुए हैं आई थिंक। जो पहले क्या होता था, कॉमिक्स हर जगह अवेलेबल होती थी 90s के टाइम में, 1996, 1997, 1998, 1999 जो भी था टाइम, 80s का, 87 से बनने शुरू हुई थी। और ऐसा होता था उस समय सभी लोग पढ़ते थे, कुछ कैजुअल वे में पढ़ते थे, भाई ठीक है। कई लोग बोलते भी थे कि पढ़ने के बाद से क्या यूज है, मतलब कई लोगों को यह समझ ही नहीं आता था। मेरे से लोग या कोई लोग परचेज करते थे ना कि इसको संभाल के रखूँ, इसको देखूँ कॉमिक्स को, जो है इसमें से मैं स्केच बनाऊँ या ऐसा कुछ है, या कुछ कनेक्शन फील होता है राइटर से आर्टिस्ट से, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उनके तो ये बात समझ के ऊपर जाती थी, वो कहे जब स्टोरी पढ़ ली तो अब इसका में और रद्दी में फ़र्क क्या है। तो कैजुअली मिलती थी, काफ़ी लोग पढ़ते थे, बहुत जो थोड़े बहुत लोग थे वो उन्होंने अपना कलेक्शन जारी रखा। फिर कॉमिक्स आना बंद हो गई, रेयर हो गई, जो सब कुछ हुआ। और उसके बाद में आई थिंक अब जो लोग बचे ना, जो भी सेलर्स हैं, जो बायर्स हैं, इवन सबको सिंह जो सर, उनका जो चैनल है वो भी अच्छा बनाते हैं कुछ स्केच वगैरह। तो मुझे इस बात ये समझ में आ गई कि जो उस वक्त उस तरीके से जो आर्ट फॉर्म से जुड़े हुए थे, किसी को स्केचिंग पसंद आती थी तो किसी को राइटिंग सुंदर थी, किसी को आर्ट में इंटरेस्ट था, वही लोग हैं अभी इस वक्त जो बाय कर रहे हैं या इस वक्त जो सेलर बने हुए हैं, सारे के सारे वो उसी तरह के फ़ैन हैं। अदरवाइज़ इस तरीके के शौक को कंटिन्यू कर पाना मतलब इतना आसान नहीं है, मतलब ये तो मानना पड़ेगा। तो अमित कुमार जी की राइटिंग काफ़ी इंप्रेसिव लगी मुझे, और डील करने का तरीका भी काफ़ी अच्छा लगा उनका। तो ठीक है, इसलिए फिर उनसे कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को इतना देखते हो फेसबुक वगैरह फॉलो वगैरह करते हो कि ऐसा लगता नहीं कि वो अनजान लोग हैं, काफ़ी टाइम से वो हो जाती है जान पहचान सी। लेकिन हाँ ये फर्स्ट टाइम उनसे मैंने मंगवाया, मैं कलाउ इनसे भी मंगवा ही लेते हैं। कुछ स्केच कार्ड्स होंगे, काफ़ी अच्छे से इन्होंने पैक करके भिजवाया है। पर अभी मौसम भी ऐसा था, आज तो ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त बारिश थी, बहुत ज़बरदस्त भयंकर बारिश। ऐसे टाइम पर अगर सोचता हूँ यार पार्सल मंगवाने भी चाहिए कि नहीं चाहिए, देखो इसकी भी क्या हालत हो गई, हो नहीं थी, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से पैक किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं क्या से पैक किया, बहुत टाइटली पैक किया इसको यार। और फिर उसके पोस्ट वगैरह भी देखता होता तो लग जाता, पता आपको लग जाता है कि हाँ ये प्रोफेशनल है, ये अच्छे से कर पाएंगे चीज़ों को, समझ में आ जाता है। दूसरे वाले जो थे उनका देखते हैं क्या हिसाब होता है, क्या करते क्या नहीं करते। ओहो तो ये है भैया, इसको हटा देते हैं और हाथ थोड़े से मैं सैनिटाइज कर लेता हूँ, काफ़ी बारिश का टाइम है, बाहर पोस्ट इंडिया पोस्ट से आया है। तो ये कुछ स्केचेज कार्ड है और वो हैं सारे मेरे पास, इवन कई तो मेरा डबल होंगे क्योंकि ऑलरेडी, क्योंकि संग्राहक संस्करण मैंने कई डबल कॉपीज में परचेज कर रखे हैं। पर इसमें ये होगा कि अब इनको आप रफली यूज़ कर सकते हो, जैसे कभी आपको स्केच करने मन हुआ, कलर करने मन हुआ, वो नहीं रहेगा कि अब इसे संभाल के रखना, वो एक थोड़ा ये रहा। तो ये देख लेते हैं, तो इसमें कुछ स्टिकर होंगे, खास स्टिकर जो सिर्फ संग्राहक संस्करण के साथ आते हैं, और कुछ जो है स्केच कार्ड्स होंगे, देख लेते हैं क्या क्या है। या कुछ बड़े टाइप ये स्टिकर्स हैं, ये कहाँ किसमें मिले थे, शायद बालचंद सीजे किसी मिले होंगे, खैर जो भी है। तो सबसे पहले स्टिकर बाहर निकल गए तो इन्हीं को देख लेते हैं, फिर स्केच कार्ड देखेंगे कौन कौन से हैं। ये हैं स्टिकर्स, एक तो खजाना का स्टिकर है, ये खजाना का जो संग्राहक, ये काफ़ी फेमस हो रहा है खजाना का संग्राहक संस्करण, इसका भी वीडियो लेके आऊँगा एक। अभी राजकोमिक्स में मनीष गुप्ता जी इसको बिग साइज में लेकर के आ रहे हैं, और फिलहाल जो डील्स चल रही थी संजय गुप्ता जी की और मनोज गुप्ता जी की, तो मैंने कुछ का कंप्लेन भी देखी थी कि नोवल्टीज़ नहीं मिली थी उनको। तो मनोज गुप्ता जी की तरफ से रिप्लाई आया था कि इसकी नोवल्टीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो आपको दूसरी नोवल्टीज़ भिजवाते हैं। तो उस लिहाज से फिर अच्छा लगता है कि कुछ कलेक्शन आपके सोता था। तो ये शाकुरा का एक स्टिकर है, ये शायद ग्रैंड मास्टर रोबो या ऐसा कुछ विशांक आया था, उसके बाद में स्टिकर आया था। ये खूनी खानदान सीरीज का जो स्टिकर है वो है, और ये है बाल चरित, नॉट बाल चरित, आई एम सॉरी, जो सुपर कमांडर ध्रुव का वो ध्रुवोदय जो पहले वाला आया था उसके साथ में स्टिकर आया था, ये है वो स्टिकर। और जो है ये त्रिफना सीरीज का, ये भी पसंद है मुझे, त्रिफना सीरीज खजान सीरीज काफ़ी दिल के करीब है मेरे। और ये कुछ स्टिकर हैं, ये पसंद है मुझे, ये हैं
युग नायकम का जो संग्राहक संस्करण था उसकी नॉवल्टीज काफ़ी इंप्रेसिव थी, काफ़ी महंगा भी था, 750 रुपये का था। उसके साथ में तीन स्टिकर आए थे, एक तो ये है शायद अश्वराज का और फिर ये है भोकाल का। अच्छे हैं ये एक्शन स्टिकर, अच्छे लगे युग नायकम वाले, और ये शायद गोजो होंगे। तो ये तीन पुराने टाइम के महानायक हैं वो हैं। फिर महारावण सीरीज में जो भोकाल का स्टिकर आया था वो है। उसके बाद में ये पराक्रम, एक ध्रुव का आया था संग्राहक संस्करण, उसके साथ में स्टिकर आया था। तो संग्राहक संस्करण स्टिकर थोड़े से खास बन जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी महंगे आते हैं संग्राहक संस्करण, तो अच्छे लगे ये मुझे। ये है शायद पराक्रम 2 होगा, उसमें आया होगा। और ये अगेन, ये कुछ सिंगल सिंगल से कॉमिक्स आए थे यार, ये ग्रैंड मास्टर रोबो टाइप का एक कौन सा था, चुम्बा वाला आया था कि नहीं आया था, उसका होगा शायद ये स्टिकर। ये डबल है क्या? ये शायद डबल है, अच्छा लग रहा है। अभिषेक मलसून जी का आर्ट है, कोई बात नहीं, ये डबल है तो रहने देते हैं इसको डबल। और ये अवशेष सीरीज का जो संग्रह संस्करण था उसके साथ आया था। और ये कुछ विश्व रक्षण जो काफ़ी अच्छी अच्छी डीलों में मिला था उसके साथ आए थे, अच्छे स्टिकर है। फिर भी ये हैं स्टिकर, शायद 20 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, चार शायद ये होंगे। ये एक्चुअली उन्होंने इसी कैटेगरी में रखे हैं, हालांकि ये पेपर बैग के साथ आए थे। चार स्टिकर ये हैं, थोड़े से बिग साइज़ के हैं, ऐसे ले लिए, थोड़े ठीक लग रहे थे। ये नागराज का शायद आखिरी सीरीज से होगा, ये बालचरित सीरीज या फिर जो है राजनग रक्षक सीरीज से शायद शायद होगा, मतलब ये अनुपम जी का आर्ट है। तो ये तीन चार भी एक्चुअली पेपर वे के साथ थे, पर इसको संग्राहक वाले में डाल सकते हैं, बड़े स्टिकर थे। अब देखते हैं कौन कौन से कवर कार्ड उन्होंने भिजवाया। तो 20 स्टिकर हो गए, तो कवर कार्ड एक तो है संपूर्ण ड्रैकुला का, इनमें कुछ करेंगे कलाकारी। फिर उसके बाद है नागराज वृतांत 1 का कवर कार्ड, कवर उस समय ये वृतांत जो आए थे ना उसमें कलरफुल मिले थे, बाकी में स्केच कार्ड से मिले थे, तो ये थोड़े अच्छे लगते हैं। ध्रुवोदय में और वृतांत में कलरफुल मिले थे। ये 2 हो गए, 3 हो गए टोटल। ग्रैंड मास्टर रोबो का है 4, आतंकर्ता नागराज का है 5, आया चुम्बा का है 6, स्केच कार्ड है ये, और युगारंभ का ये थोड़ा अच्छा है 7, युगारंभ अनुपम सिन्हा जी का वेरिएंट कवर का और पेंसिल वर्जन है ये, कितने हो गए याद नहीं आ रहा, 7 हो गए थे क्या, 8 मान लेते हैं बस 8। अवशेष का अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग का मज़ा आ रहा है इसमें, ये अच्छा लगा मुझे। 9 चमत्कार भोकाल का 10, इसके बाद में ग्रैंड मास्टर रोबो का 11, तो वो ग्रैंड मास्टर रोबो का था जो ध्रुव चौथा था वो 11, चुंबा का चक्रव्यूह था वो अभिषेक मलसिंह जी वाला 12, पराक्रम 2 का 13, पराक्रम 1 का 14, त्रिफना का ये अच्छा लगा, इंक्ड वर्जन अच्छा है 15, खूनी खानदान का 16, रोबोट का 17, युगनायकम का 18, युगनायकम का अच्छा है, युगनायकम का 18, संपूर्ण महारावण 19 19, और इसके बाद में जो है विश्वरक्षण पार्ट 1 पार्ट 2 के होंगे 20 21, आया चुंबक का एक और भेज दिया क्या 22, खजाना का 23, 25 से टोटल। अच्छा ये 2 हैं शायद, ये वृतांत 2 का है, तो वृतांत का पहले भी आ गया था क्या, ध्रुवोदय के 2 भेज दिए, कोई बात नहीं। इसमें थोड़ा सा मैंने चेक नहीं रखा एक्चुअली, ये कई डबल मैंने ओके कर दिया, और अब ये प्रॉब्लम होगी कि उनके साथ में जो एक दूसरे थे जिन्होंने एक्चुअल पोस्ट डाला था और जिनके वजह से हमने बातचीत शुरू करी थी, वो तो वो ऐसा ना हो कि वो भी उनमें ये भी हो, वो उसको मेरे को ओके नहीं करना चाहिए, ऐसे ओके कर दिया था। उसमें भी वो बचे हुए थे, मतलब जो वन रक्षक वगैरह मैं हूँ भेड़िया इस तरह भी नहीं थे। वृतांत वगैरह के अच्छे लगते हैं, ललित कुमार शर्मा जी का आर्ट है, यहाँ पे अनुपम जी का आर्ट है, ये पोस्टर बड़ा में था और ये अच्छे से पॉलीबैग में कवर है। वृतांत 1 का नहीं है तो इसमें वृतांत 2 वाले में इसको रख लेंगे। ये अच्छी बात है कि अमित जी ने क्या करा कि मैं जो पता है ये खजाना वगैरह में कुछ में नहीं थे, ये पॉलीबैग में पैक गया त्रिफना वगैरह में, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे पॉली, और वैसे भी काफ़ी सारे बॉक्स पड़े हैं तो वाई नॉट 1 को इसी काम के लिए यूज़ कर लेंगे। कितने हो गए तो भूल ही गया काउंटिंग, मैं कैसे वापस एक बार रिकाउंट करना, तो कर लेते हैं, काफ़ी डबल भी है इसमें। ये खजाना चुंबा वगैरह में क्या, ये थोड़े खजाना के मतलब आया चुंबा है पराक्रम वगैरह, ये काफ़ी अच्छी डील में मिल रहे थे, तो लोग इस तरीके से चूज़ करते हैं कि कौन सा रेयर है। वैसे मैं तो फिर एक बल्क में मेरे को मज़ा आता है वो सेम एक प्राइस करके, तो फिर काउंट कर लेते हैं वापस 25 में से 1 2 3 4, ये डबल हो गए, 5 6
सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस 25 है टोटल। इसमें आया चुंबा वाला डबल है, जैसे आई थिंक ग्रैंड मास्टर रोबो भी डबल है। तो आया चुंबा और ग्रैंड मास्टर रोबो ये इतने कुछ खास नहीं होते, क्योंकि रीज़न क्या होता है कि ये इनके जो संग्राहक संस्करण ना वो काफ़ी काफ़ी अच्छी डील्स में मिले थे, कई बार तो अनएक्सपेक्टेड प्राइसेज में मिले थे। पर इनका रमेश जी का ये अच्छा लगा कि ठीक है उन्होंने इसमें कुछ अच्छे वाले भी डाले हैं। आया चुंबा भी आई थिंक डबल वाला है। खैर तो ये जो खजाना है ना, एक्चुअली खजाना का अगर पूरा तो नहीं है नोवल्टी इसमें, एक तो पेपर स्टिकर है और यही है जो खजाना का रखा हुआ, और ये जो है एक एक स्केच कार्ड है। और इसके अलावा और कुछ नॉवल्टीज थी इसमें, एक मैग्नेट स्टिकर था और भी कुछ होंगे जो भी था। तो ये रेयर एक कहला सकती है चीज़, क्योंकि जब खुद मनोज गुप्ता जी की तरफ से टीम से ये आ रहा है लोगों को जवाब कि भाई ये आउट ऑफ स्टॉक है। इवन जैसे मकर जाल का सीई काफ़ी लोगों ने बुक करा था तो उनको भी वो नहीं मिला, उनको रिफंड मिला है। तो इस तरीके से हम इस इनडायरेक्टली बिलीव कर सकते हैं कि भाई हाँ वो चीज़ें थोड़ी सी रेयर हैं। तो इसी के साथ इस छोटी सी अनबॉक्सिंग को मैं एंड करता हूँ। इसमें कंटेंट कम था शुरू में, कुछ वो वेबसाइट अदर ऑर्डर्स की बातें ज़्यादा हुई। तो अंत तक बने रहने सभी का धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।